हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के पैटर्न, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और गाइस, इस वीडियो में आपका सिलेबस भी है वो भी कवर हो जाने वाला है। और गाइस, इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि सेक्शन ए में कौन से चैप्टर आएंगे, सेक्शन बी में एंड सेक्शन सी में, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस, मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कॉस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें आपको मैंने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, साथ ही साथ जीरो बेस्ड बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजट्स, मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। टारगेट कॉस्टिंग भी बना दी है, तो आप सारे चेकआउट कर लेना, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपका सेक्शन ए है ना, वो आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में आने वाला है। ठीक है, मतलब मान लो सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स में, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो 3 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से आएंगे। अगर गाइस मैं कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ ना, तो आपको जो थ्योरी के क्वेश्चन है शॉर्ट में 2 ही आते हैं, बाकी जो 4 आते हैं वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं। आप ये चीज़ सोच के चलना। और जो आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी होते हैं ना, उसमें आपको क्या आता है, उसमें गाइस आपको 2 प्रैक्टिकल आएंगे, 2 थ्योरी आएगी सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपको थ्योरी आती है थ्योरी कर लो, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आती है तो एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 में देख लेते हैं कोर्स कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। तो यूनिट 1 में, मतलब जो यूनिट 1 ना, ये आप समझ के चलो ये आपका सेक्शन बी है। ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं 15 मार्क्स के, 30 नंबर का आपका होता है। तो ये जो आपका यूनिट 1 है, ये आपका सेक्शन बी है। तो सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग, नीड एंड सिग्निफिकेंस। उसके बाद डिफरेंट एरियाज आ जाएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट और उसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा मेथड ऑफ कॉस्ट डिटरमिनेशन। इसमें आपको जॉब कॉस्टिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इंटर फर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटर फर्म कॉस्टिंग में क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बारी, सारा आपके माइंड में आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, उसके बाद इंटरफॉर्म कंपैरिजन हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग में इसमें आपका प्रैक्टिकल आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट में, आपका क्या आता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस। कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट के मैंने सारे चैप्टर्स बना दिए हैं वीडियो। और गाइस, कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट जो आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और वैल्यू चेन एनालिसिस है ना, इसमें आप ये पकड़ के चलो आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें आता ही आता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपको वैल्यू चेन एनालिसिस 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये आपको 15 मार्क्स के लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो 2022 के लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की भी लाने वाली हूँ, उसमें भी आप ये क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो आगे आपका यूनिट 2, जो आपका यूनिट 2 है वो मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, सेक्शन सी है आपका। ठीक है, तो आपके सेक्शन सी में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। पहला आएगा टेक्निक ऑफ कंट्रोल में आपके जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके बाद बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। गाइज, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में जो आपका, मैं आपको ये बताऊँ, इसमें काफ़ी सारे आपके क्या हैं, फॉर्मूलेज हैं, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, बट इसका जो थ्योरी पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बजटिंग कॉस्टिंग, अगर सेक्शन सी में थ्योरी करके जा रहे हो, ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा 80% चांस होते हैं इसमें थ्योरी आती ही आती है। ठीक है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में ये दोनों चैप्टर में प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी है, थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से करके जाना। उसके बाद बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल में आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के, उसके बाद लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ बजट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, ज़रूर से करके जाना। ठीक है, जिसमें आपका कैश बजट आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बजट्स आ जाते हैं। उसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग, ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है ये आपका कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेक्शन ए में आपका 5 मार्क्स में जीरो बेस्ड बजटिंग आ सकता है। उसके बाद गाइज,
बस उसके बाद आपका आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2020-22 में भी क्वेश्चन आया है, एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो गाइज़ जो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये सारे आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके गाइज चेकआउट कर सकते हो। और गाइज मैं थोड़ी देर में एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वेश्चंस आपको 100% से करके जाने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हों, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा टफ सेमेस्टर कह सकते हो बीकॉम का। अगर आपने ये कर लिया सोचो आपकी बीकॉम हो गई, ठीक है, तो ये जो बीकॉम का टफेस्ट सेमेस्टर है ना, इसमें जो क्या होता है पिछले साल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफेस्ट है, तो जो एग्जामिनर होता है जो एग्ज़ाम बनाता है वो यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछले पेपर उठा के देखो, उसकी तैयारी करो, उसके क्वेश्चन में तैयारी करोगे, आप देखोगे ऑडिटिंग का भी अभी एग्ज़ाम होके हटा है, ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, SABM का एग्ज़ाम होके हटा, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि फोर्थ सेम में ऐसा ही होता है। तो अब आपको क्या करना है, सारे पिछले वाले क्वेश्चंस आपको ट्राई करके रखने हैं, ठीक है गाइस। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया पिछले साल का क्वेश्चन पेपर वाला लाने वाली हूँ, या फिर आप गूगल के सर्च बार में लिखना कॉस्ट मैनेजमेंट लास्ट ईयर एग्जाम बाय सिंप्लीफाइड स्टडी, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, थोड़ी देर में वो भी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो होप सो गाइज आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर गाइज आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो चेक द प्लेलिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ।